सर निकल आए हुसैन के हथेली पे सर निकल आए अली के लाल से बैत मुआविया के पिसर मेरे ख्याल से चींटी के पर निकल आए हम जिस कौम में जिंदा हैं ये कौम तो नमाज में भी हाथ नहीं बांधती तो गदीर के मैदान में खड़े होकर हाथ कैसे बांधे जा सकते हैं तो नारा ऐसा लगा दें कि किबला कि की थकन उतर जाए और वो खिताब हम स... भारी भारी। अच्छा थोड़ी सी तो थो थकन उतर गई लेकिन जिस तरह मैं चाहता हूं अगर आप ऐसा कर दें तो मौला भी खुश बीवी भी, भी खुश जनाबे सैदा भी खुश नारे बराए खुशनूद मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंतर सलवाद कुरानी आयत, तावील तफसर तारीख़ और मनतख़ फ़लसफ़े की रोशनी में कबिला अकाबाला मौलाना अली रजा रिजवी साहब से हम मुलतमस हैं किशीफ़ लाएँ और अशर मुहरम की इस पहली मजलिस से ख़िताब की सदत फरमाए बरा खुशनूदी मोहम्मद वाल मोहम्मद बलंतर तर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي النمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعني ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره وبسيه سيد الاتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوسيائه لا سيما بقية الله في الرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلوات آج نیشنل ہائی وے پہ تھا اور طرف मैं ब्लॉक हो गए थे मेरी पूरी कोशिश होगी मैं साढ़े दस बजे मेंबर ले लूं और इन कोशिश करेंगे कल सर जाएं हमने दूसरे भी पूरे नौ बजे मलिक में मंबर ले लिया था तो मैं आज की ताखिर की माजत चाहूँगा कल इन हम क्योंकि आज अंदाजा हो गया कि चारों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक है तो इन शह हम... उसने जो भी किया है हमत से किया अगर किसी को रसूल बनाया है तो हमत से किसी को इमाम बनाया है तो हिकमत से किसी को नहीं बनाया तो हक भाई ये मौजू मैंने इंतखब किया है कोशिश ये रहती है कि वो मौजू आज जो मैंने नहीं पढ़े हैं या मैंने किसी से नहीं सुने वो पेश करूं तो परदिगार आपने पहले ही दो जुमलों में मोहब्बत का जो इजहार किया है आपका मुझे पूरा यकीन है उसन समाज का और चेहरे में देख रहा हूं कि सुनते रहते हैं जो मैं पेश करूंगा उन्हें कबूल फरमाइएगा तो सूर्य जुमा ये बासठ व सूरह है सूर्य जुमा सूर्य मुनाफिकुन दोनों साथ साथ है दोनों में अल्लाह ने मोमिन से मुतलक भी बताया है और मुनाफिकेन से मुतलब <ज़ीव> दोनों की ग्यारह ग्यारह आयात हैं बिस्मिल्लाह समेत बारह तो बहुत कुछ इसमें मतालिब हैं जो खदमत में पेश करूंगा जरा सुन लीजिएगा कोशिश करूंगा सूरह मुकम्मल कर दूं अशरे के दौरान नहीं हो सका तो जिंदगी रही फिर लेकिन अल्लाह ने जो काम किया हिकमत से यूस अल्लाह ने बार बार बताया कुरान करीम में वो हकीम है लफ्ज़ हिकमत कुरान में बीस मरतबा आया है और अल्लाह को हल हक अल हकीम बानवे मरतबा नाइनटी टू मरतबा कहा गया है कुरान करीम के अंदर अल हकीम, और इल्म और हमत में भी फर्क है हर इल्म वाला हकीम नहीं होता वो चलो पहुंच गए तवज्जो, हर इल्म वाला हमत वाला नहीं होता हकीम नहीं होता लेकिन हर हमत वाला इल्म वाला जरूर होता डेफिनेशन क्या पेश कर रहा हूं आपकी हकीम कौन होता? ला हकीम उसे कहते हैं जिसका कोई फेल कोई अमल हिकमत से खाली ना हो सातवें माम से पूछा मौला हिकमत क्या है हकीम कौन होता तो आपने फरमाया फहमो वल अक्ल फहमो इदराक अकल ये हिकमत की तरफ ले जाती है इल्म और अकल दोनों जमा हो तो हकीम बनता हिकमत ये है कि इंसान कोई काम बिला वजह ना करे एक जुमला कह रहा हूं रोक के शायद गुजशत बरस मेरे एक जुमले के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत से क्लिप्स बनाए हैं मैंने कहा था असलामिका व नबै व लबरकतो नमाज इबादत है रोक के जुमले को पेश कर रहा हूं सारे मजमे की तवज्जो रहे कुछ इबादतें पैसे वालों की हैं जैसे खुमसो जक़ात घबरा रहे हैं भाई खोमसो जक़ात पैसे वाले की इबादत पैसे वाला गरीब को हक दे पैसा होगा तो जकत निकलेगी पैसा होगा तो खुम्स देगा नहीं होगा तो वाजिब नहीं है तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो ग्रामी। इसी तरह से हज वाह हिजुल बहत मनस्तः सबीला जिसके पास जिस्मानी और माली इस्तात हो उसके लिए अल्लाह के घर का हज वाजिब है पैसा ना हो तो हज वाजिब नहीं हबीबे खुदा ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीबों का हज जुमा है चालीस नमाज जुमा पढ़ो हज हो गया तवज्जो अभी भी सारा मजमा नहीं है तवज्जो तो कुछ इबादतें पैसे वालों की लेकिन नमाज और रोजा हत्ता रोजा सेहत वालों की इबादत है बीमार पे रोजा वाजिब नहीं अभी भी सारा मजमा नहीं है नमाज अमीर पे भी है गरीब पे भी बूढ़े पे भी है जवान पे भी मर्द पे भी है औरत पे भी किसी भी हालत में हो डूब रहे हो तब भी नमाज वाजिब तवज्जो हर हालत में नमाज है नमाज में अल्लाह हकीम है कोई काम बेमकसद मकसद नहीं रखेगा अबस नहीं रखेगा लग्व नहीं रखेगा अगर नमाज में सलाम है ना असलाम का वरमतुल्ला बरकतो तो जितने लोगों ने मेरा जवाब दिया वो कहते हैं पैंबर सुनते ही नहीं तो जवाब क्यों देंगे अल्लाह हकीम है नमाज में अबस नहीं कहलाएगा अब पहुंच गए पहुंच गए हो पता नहीं है या नहीं है। मेरी बात पहुंच गई अगर कह रहे हैं ना कि नहीं ये ना मजा रसूल सुनते हैं ना जवाब देते हैं तो इसका मतलब है सलाम अबस है बेमकसद है नमाज में कोई चीज बेमकसद नहीं है कोई चीज बेमकसद नहीं है अगर रसूल खुदा को सलाम है और वो नहीं सुन रहे जवाब नहीं दे रहे है, तो इसका मतलब है बेमकसद अल्लाह हकीम है उसके किसी काम में कोई ऐसा काम नहीं जो बेमकसद आलिम में हकीम में फर्क ये है इल्म रखने वाला हकीम नहीं होता बड़े बड़े इल्म रखने वाले थे हिकमत अली के दर से खैर में लेते थे हाय हाय

मत उस इल्म को कहते हैं जो हक के एन मुताबिक हो कई ऐसे इल्म वाले मिल जाएंगे जो हक से दूर नजर आएंगे लेकिन कभी कोई हिकमत वाला ऐसा नजर नहीं आएगा जो इल्म से दूर हो क्योंकि हिकमत हक के एन मुताबिक होता दल इल्मा या बाप मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा हदीस यहां खत्म नहीं होती जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आए दरवाजे पे शहर में नहीं अभी भी सारा मजमा नहीं है दरवाजे पे आए दरवाजे पे पयंबर जानते हैं लोग शहर की दीवारें छत पर नाले बना देंगे छतों पे ना चढ़ना दीवारें ना फलांगना पर नालों पे ना वजो तवज्जो फरमा रहे जानकर मैं इल्म का शहर हूं अली दरवाजा है फमन अरादल फलिया अचल बाब जिसे इल्म चाहिए वो दरवाज़े पे आ जा दूसरी हदीस मैंने कहा कि मुझे यकीन है अक्सर न सुन रखी होगी लेकिन दोबारा सुन लीजिए अना ली हिकमत अली बाबहा मैं का घर हूँ अली दरवाज़ा इल्म का शहर दरवाजा अली रसूल इस्लाम इल्म का शहर दर है मौला अली हमत का घर दर मौला अली शहर बड़ा होता है घर छोटा होता है इल्म वाले बहुत होते हैं हिकमत वाले कम लेकिन चाहे इल्म चाहिए हो चाहे हिकमत आओ अली के पास इल्म भी अली के पास हिकमत भी अली के पास हाथ जोड़ के कह रहा हूं मुझे कहा गया बड़े मोहताज पढ़ना पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो रहा है पूरे पाकिस्तान में नशर हो रहा है मुझे कहा गया तमाम इदारों के पास जा रहा इसलिए बहुत मोहतात पढ़ रहा हूँ खुदा रसूल की कसम अपनी जान की कसम मोहतात पढ़ रहा हूं लेकिन हबीब खुदा ने फरमाया मैं हिकमत का घर अली दरवाजा अब समझ में आया बड़े बड़े इल्मे हुकूमत के फैसलों के लिए अली के पास क्यों आते हैं तब जो फरमा हमत का घर अगर पैंबर तो है तो हमत का दर अमीर है बड़े खूबसूरत अंदाज से हमत को पेश किया तो अल्लाह फरमा रहा है यू हर चीज अल्लाह की तस्बी करती है हर चीज ये तो सूरह जुमा की आयत है पहली आयत और सूरह इसरा सत्रवा सूरा सूर बन इसराइल भी कहा जाता है इसरा यानी महराज वहां अल्लाह इरशाद फरमाता आयत नंबर 44 में हर चीज तस्ब हो यानी क्या मतलब सब असमावाद सातों आसमान और जो कुछ जमीन में है वल अर्द वमाफी हिन्ना और जो कुछ इनके ऊपर है हर चीज अल्लाह की तस्बी करती है इन मिन शे इन सभ्य हो लहू कोई दुनिया की चीज नहीं जो अल्लाह की तस्बी ना करती हो वलाकिन ला तफफ कहू ना लेकिन तुम उसकी तस्बी को समझते नहीं हो तो और से सुनिएगा सवाल मेरा आपसे आया अल्लाह यह फरमा रहा है कि ये जबान हाल है ये मेंबर अल्लाह की तस्बी कर रहा है ये मेरे हाथ में नगीना है ये तस्बी कर रहा है जबान हाल है नहीं अगर जबान हाल होता ना तो अल्लाह कभी ना कहता तुम समझते नहीं हो हम नहीं समझ रहे इसका मतलब है वो तस्बी कर रहे हैं जबाने हाल से नहीं जबने मकाल से यानी हर चीज अल्लाह की तस्बी कर रही है हर चीज अल्लाह की तस्बी कर रही है बताएगा कौन तस्बी क्या है तो कोई ऐसे हस्तियां होनी चाहिए ना जिनके हाथों पे संग्रेजे आए तो तस्बी की आवाज बुलंद हो गिरामी तमाम ने लिखा कुछ लोग पहुंच गए कि हबीब खुदा संग्रेजे हाथ पे रखते तो तस्बी पढ़ते अली पत्थर रखते तस्बी सैदा कंकरियां उठाती तस्बी करती इमाम हसन हुसैन मौला सज्जात के लिए मिलता तस्बी के जमीन से कंकरियां उठा के किसी के दामन में भी डालते तो वो देखते तस्बी कर रहे हैं तो गिरामी हर चीज तस्बी कर रही है हमें समझ नहीं आती अब पता चला हुज्जत वो होगा जो समझे जो ना समझे हम जैसा शायद इसीलिए उम्मत के कुछ लोगों को जबरदस्ती है मोहम्मद हम जैसे हम जैसा जो हो वो अल्लाह का रसूल नहीं हम जैसा हो वो अल्लाह की हज्जत नहीं अल्लाह का नबी और हज्जत वो होगा जो वो समझे जो हम ना समझे इन बिन शेन अल्लाह कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो अल्लाह की तस्बी ना करती हो कोई चीज़ नहीं है के इी यहाँ तक के बताया कौन कौन सी तस्बीहात कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं इमाम मोहम्मद बाकूँ ना पूछा मौला सबसे अफजल तस्बी कौन सी है आपने फरमाया मेरी दादी फातिमा की सही सही बुखारी में भी है ना जनाब सी चौथी दफ़ा अल्लाह अकबर तैतीस दफा तैतीस दफ़ा सुबह मशहूर तरीन तस्वी और बहुत से लोग समझते हैं सिर्फ नमाज के बाद है कभी भी पढ़िए इसके असर देख लीजिएगा किसी काम के लिए पढ़ें पांचवें माम से पूछा बोलना अफजल तरीन तस्वी क्यूँ है दुनिया का अफजल तरीन बाप दुनिया की अफजल तरीन बेटी को तोहफा दे रहा है अल्लाह अखबार दुनिया का अफजल तरीन बाप कौन है सरवर काय ना अफजल तरीन बेटी जनाब फातमा तो जरा सलाम पांचवे माम फरमाते हैं जब अफजल तरीन बाप अफजल तरीन बेटी को तोहफा दे तो कहा वो अफजल तरीन तस्बी होगी और वो है तस्बी है जनाब सैदा हर चीज अल्लाह की तस्बी करती है लेकिन तुम समझते नहीं हो और यहां पे अल्लाह फरमा रहा है चार सिफात अपनी बता रहा है पढ़ूंगा यू सभ्य किसकी तस्बी अल्लाह की करती हूँ यू हकीम चार सिफात सिर्फ पढ़ूंगा कल मुझे पेश करना है और अगर आज वक्त रहा तो आज ही पढ़ूंगा कि रसूल खुदा उम्मी किस माना में है अगली आयत में रसूल खुदा को उम्मी कहा गया शिया अकीदा मुझे मैं क्योंकि मकतबे तशयो का तर्जुमान हूँ खादिम हूँ खिदमत गुजार हूँ आल मोहम्मद का ाम हूँ अगर मैं आल मोहम्मद का मकतब बयान नहीं करूँगा तो न न कौन करेगा अगर आयम मुसलाम के बयान को मैं पेश नहीं करूँगा तो कौन करेगा दान कर हमारा फरीज़ा है आल मोहम्मद का दिफा करें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हम किसी से मुतक़ कुछ नहीं करें हम आल मोहम्मद का मकतब पेश कर रहे हैं तो मैं उम्मीद के आज अगर हो सके तो आज पढ़ूंगा नहीं तो कल पेश करूँगा मजमा सुनेगा इंशाला लेकिन आज सुन लीजिए चार सिफात अल्लाह ने यहां बयान की है चार नाम मलिकिल कुतूस अजीज हकीम मलिक कहते हैं बादशाह को अजीज गालिब और इज्जत वाला कुदूस पाक हकीम हमत वाला चार सिफात अल्लाह ने बयान की है मलिक बादशाह पूरी कायनात का बादशाह अल्लाह है वो बादशाह है जिसे चाहे बादशाह बनाए क्यों वो बादशाह तवज्जो सारे मजमे की हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं मैं बहुत मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं अगर कहीं पे भी कोई बात होगी तो मुझे यहां पे बैठने वाले सब फौरन मतलब कर देंगे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें इख्तलाफ हो अल्लाह दुनिया का बादशाह मलिक बादशाह दो लफ्ज हैं मालिक और मलिक मालिक योमुद्दीन मालिक वही मालिक मलिक बादशाह बादशाह को इख्तियार है वो वजीर किसे बनाए कुछ लोग पहुंच गए कुछ चारे में उंगली पकड़ के पहुंचाऊं हाथ जोड़ के मेरी तरफ देखिएगा अल्लाह कायनात का बादशाह का बादशाह बादशा को इख्तियार होता है वजीर किसे बनाए किसी और को इख्तियार नहीं बादशाह से कहे इसे मान ले बादशाह कहेगा ये मेरा वजीर औरों को इख्तियार नहीं उसने कहा आदम वजीर जिन्होंने माना वो फरिश्ते जिसने इनकार किया शैतान शैतान पे लानत तोज्जो मैं कह गया हूं अल्लाह बादशाह उसे वजीर बनाने का इख्तियार वो जिसे चाहे वजीर बनाए जिसे चाहे खलीफा जिसे चाहे इमाम अब जो अल्लाह को मानेगा वो अल्लाह के वजीर को मानेगा जो दुनिया में वजीर होगा जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं पेश कर दो जिसे जो बनाता है ना वो उसी को खुश करने की कोशिश करता है पाकिस्तान के तनाजर में पेश करता हूं जिसे जो बनाता है वो उसी को खुश करते हैं मैं बहुत कुछ कह गया हूं जो भी बनाएगा इंसान उसी को खुश करेगा चाहे सदर हो वजीर आजम वजीर आला जिसने बनाया उसे खुश करो इसने बनाया इसे खुश करो जिसे अवाम बनाएगी अवाम को खुश करेगा जिसे अल्लाह ने बनाया अल्लाह को खुश करेगा अभी भी सारा मजमा नहीं है अजीज़ कुछ ने कहा था मैं तुम ही जैसा हूँ अगर गुमराह हो जाऊँ तो ले आना वापस मौला अली ने कहा खबरदार मेरी इसलाह ना करना मैं तुम्हें दुरुस्त करने आया हूँ अल्लाह के लिए फरमा रहे हैं के चार नाम चारों से अल्लाह के चार नाम पेश कर रहा हूं चारों से मौला अली की विलायत को पेश कर रहा हूं चार नाम अल्लाह के चारों से मौला अली की विलायत साबित करूंगा मैंने मौजूद रखिएगा हिकमत परवरदिगार अल्लाह अजीज पहला का मलिक बादशाह दूसरा अजीज इज्जत वाला अल्लाह कौन है इज्जत अजीज इज्जत वाला वलिल्लाहिल इज्जत हो व रसूल ही वलो मैनी इज्जत अल्लाह की है अल्लाह के रसूल की और मोमिनों की तो मोमिनों में से कुछ ऐसे तलाश करो जिनकी सारी इज्जत हो कुछ ऐसे जो तख्त पे आ जाएं तब भी कोई इज्जत नहीं जलील है कुछ ऐसे के सर नेजों पे हो फिर भी इज्जत है इससे ज्यादा तो खुल के नहीं पढ़ सकता और अगर कहें तो पढ़ दो चौथे ईमान का जुमला सुन लीजिए ऐसे जाने रामी आप फरमाते हैं ओ यसीद, तख्त पे बैठ जाने से इज्जत नहीं आ जाती कुछ तख्त पे बैठ जाते हैं फिर भी इज्जत नहीं कुछ कैदे सलासल में होते हैं फिर भी इज्जत वाले होते हैं मैं जाने के रामी तो कोई इज्जत वाला ऐसा है कि जिसे अल्लाह चुनेगा मैं ममनून आपकी मोहब्बतों का यकीन माने जिस हालत में हूं मैं पूरी रात ने सोया हूं सिर्फ मोमिन की ज्यारत मैं करता रहा और मोमिन मिलते रहे सुबह चंद घंटे मिले हैं पूरा जहन सिर्फ मदालिस में लगा हुआ है इस वक्त ना आराम है ना कुछ है सिर्फ और सिर्फ एक जहन है कि मुझे कुछ खिदमत आपकी करनी है जो पढ़ों को से कबूल कर लीजिएगा अल्लाह मलिक बादशाह अल्लाह अजीज इज्जत वाला कुद्दूस पाक अल्लाह है पाक कुदूस तकदीस जिसकी हो पाक सारे मुसलमानों ने तर्जमा किया कुरान का अल्लाह है पाक हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ मैंने ये कहीं दुनिया में आज तक मता, ये मतालिब नहीं पढ़े जो आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं अल्लाह है पाक इतना जोर में पहली मजलिस में लगाना नहीं चाहता था पूरा खून जिगर दे रहा हूं अल्लाह है पाक पाक अल्लाह है पाक और सबसे बड़ा शिरक रिज शिर फजता ने बो रिज बुद्ध परस्ती के रिच से बाज आ जाओ बुत परस्ती रिच है बुत परस्ती नजिस है अल्लाह पाक है तवज्जो हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दीजिएगा जुमला कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता सारे मजमे की तवज्जो हो अल्लाह पाक कुदूस यानी पाक शिर नजिस अल्लाह जब अपना वली बनाएगा नुमाइंदा बनाएगा तो पाक जो सबका मुशरिक रहे हो उन्हें तो लाइन में ही नहीं लगना चाहिए मेरी तवज्जो फरमाए जाने के नाम है मैंने कहा अल्लाह के हमत को पेश कर रहा हूं पहले अल्लाह बादशाह अल्लाह इज्जत वाला अल्लाह दूस यानी पाक फिर अल्लाह कहते हैं हकीम हमत वाला अल्लाह है हकीम पैंबर फरमा गए अल्लाह हकीम मैं हिकमत का घर मत के घर का दर अली अभी तालिब वो जो हकीम है सारे मजमे की तवज्जो रसूल खुदा है अकले कुल हमत का घर दानाई का मरकस अल्लाह जब हकीम है उसने जब अंबिया में चुना तो रसूल खुदा को और रसूल ने फरमाया वमा को अनिल हवा कुरान की आयत है इन हवा इल्ला युहा वो कलाम ही नहीं करते जब तक के वही ना आ जाए वो हकीम उसने पयंबर को बनाया हिकमत का घर हिकमत के घर का दर अली तो हकीम हिकमत के दर को वली बनाएगा या उन्हें चुनेगा जो हिकमत की भीख मांगते हो ऐसा गिरामी दुनिया कह गई है सारी दुनिया और आज तक कह रही है अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, ऐसा है या नाइम है मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आपने पहले दिन इस मोहब्बत से सुन लिया मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का ऐसा नहीं कि रामी सारी दुनिया आज तक कह रही है आज तक दुनिया का हर आदमी कहता है अली ना होते तो हम हलाक हो जाते खुदा हमें जुमले को मुकम्मल कर दूं सारी दुनिया कहती है अली ना होते तो हम हलाक हो जाते जुमला मुकम्मल करूं मुकम्मल जुमला ये है ओ अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाना जब मैं हूं और अबल हसन ना हो तो उसने उनसे पूछा किसी ने कि भाई क्यों अबल हसन ना हो और आप यानी हूं वो दिन ना आप देखें कहते हैं जब मैं गलतियां करूंगा तो मेरी तसी कौन करेगा ये जो अभी मैंने सजाए मौत सुना दी थी अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता ये जान लेता तो मुझे जवाब देना पड़ता अजाना के नामी सारी दुनिया मानती है दानाई में नबी अली का कोई सानी नहीं सारी दुनिया जहां भीख मांगे अली अगर ख़ैरात दें तो कोई सलमान बने कभी अबू जर बने कोई मकदार कोई अम्मार कभी मालिक अशतर मै समय तमारे लिबन ज्याार जहां खैरात लेने वाले ऐसे सोचे मुश्किल कुशा कैसा अली मिल के माशाल्लाह

जब कोई बुजुर्ग नारा लगाता है ना तो मुझे जनाब हबीब याद आते हैं जानक रामी इस सिन्नो साल के अंदर सिर्फ जनाब सैदा की अता वाला ही अली का नारा लगा सकता भाई जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं सारे मजमे का मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे हकीर को आपने कबूल फरमाया जो कराची ने मुझे मोहब्बत दी है मैं जहाँ चला जाऊँ आप मोहब्बत से सुनते हैं आइए जाने दराजान रामी अल्लाह फरमा रहा है वो अल्लाह मलिक बादशाह है वो अल्लाह इज्जत वाला है वो अल्लाह पाक है वो अल्लाह हमत वाला वो अल्लाह जो ये सिफात रखता है मुमकिन है कि किसी भी आदमी को चुन ले अपना नुमाइंदा बनाने के लिए नहीं पहुंचा सका मेरे कुछ भाई मेरे बच्चे पहुंच गए हाथ जोड़ के माजरत के साथ पाकिस्तान में इलेक्शन की फजा बन रही है आप तो परेशान हो गए मैं सियासत में नहीं बोलूंगा मेरा वादा सियासत में नहीं बोलूंगा वो कह रहे सब कुछ तो बोल दिया आपने इन्हें पकड़ लीजिएगा भाई बाद में सुनिएगा हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं सारे मजमे की तवज्जो पाकिस्तान में इलेक्शन की फजा बन रही है क्या बहसें हो रही हैं जो पार्लियामेंट में जाए उसकी कुछ शराय होनी चाहिए ऐसा है बहुत से लोग कह रहे हैं ग्रेजुएट होना चाहिए पढ़ा लिखा हो कुछ लोग कह रहे हैं उसका सबका अच्छा होना चाहिए कुछ कह रहे हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कुछ कह रहे हैं शादी को अमीन होना चाहिए साबे का चोर चकार नहीं चलेगा मेरा सवाल आपसे यह किसका नुमाइंदा जो पार्लियामेंट में जा रहा पांच साल के लिए हमारा नुमाइंदा हमारा हम जैसों का नुमाइंदा पार्लियामेंट में पांच साल के लिए उसकी इतनी शरायत और अगर कोई अल्लाह का नुमाइंदा हो हमेशा के लिए है दादी तो फरमा रहे थे जाने गिर ये मतलब मैंने पाकिस्तान में इससे पहले नहीं पढ़ा है ये जो मजलिस ही मेरी मैंने कोशिश की है कि नहीं सुन लीजिए हमारा नुमाइंदा पाँच साल के लिए इतनी शरात देखें अभी आप जानते हैं ना मुहर्रम से पहले गदीर मुबाला शियों में उसमें ना बेानतहा शादियाँ होती हैं जहाँ पे भी अकदों का निका होगा मौलाना साहब को बुलाया जाएगा तो अब मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों की दरख्वास्त होती है मौलाना निका पढ़ने आइएगा तो क्या होता है हम वकील होते हैं जुमलों को सुनिएगा मैं वक्त नहीं कर रहा खुदा रसूल की कसम वक्त नहीं कर रहा अब हम जाते हैं निका पढ़ने के लिए क्या कहते हैं बेटी मैं आपकी तरफ से वकील हूं दुल्हन से इजाजत लेते इजाजत है क्योंकि जी मौलाना साहब आपको इजाजत है कौन हूं वकील दुल्हन से इजाजत लेके कहूंगा बेटी आपकी इजाजत फौरन पूछूंगा इनके वली कौन है कुछ लोग पहुंच गए लड़की का वली बाप फौरन पूछूंगा आपकी भी इजाजत है तो फौरन दुल्हन के वालिद कहते हाँ मौलाना इजाजत है वकील बदला जा सकता पहुंच गए नहीं है सारा सारा मजमा नहीं है हाथ जोड़ के कुछ पहुंच गए मजमे की तवज्जो मैं हूं वकील मैं कहूंगा आपकी तरफ से इजाजत वो कहेंगे हां लड़के के वालिद ने कहा हां मैं वली हूं वकील बदला जा सकता है वली नहीं कुरान करीम की आयत है यह तो वफाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वेला बेकुम मलकुल मौत तुम्हें वफात देता है जो तुम पे अल्लाह का वकील है हजरत मलकुल मौत हजरत इसराइलपुर को पहुंच गए बहुत से मेरे भाई वो अल्लाह के वकील रूहें निकाल ले वकील बदला जा सकता वकील रूह निकाल ले अल्लाह का वकील दुल्हन और वालिद का वकील निका पढ़ दे शादी हो गई वकील कोई शिया नहीं कहता अली वकील अल्लाह सारी दुनिया कहती है अली वली वलियला वकील बदला जा सकता है वली नहीं अली अल्लाह का वली है कयामत तक के लिए वली है वकील बदला जा सकता है वकील के लिए इतनी शराब जो अल्लाह का वली हो कुछ वकील बैठे हुए हैं जब वकील भी दाद दे तो समझ जाइए मैंने बड़ी मेहनत की आपकी खदमत ने कबूल कर लिया जनाब कबूल कर ले। हमारा कितने साल के लिए पाकिस्तान में पांच साल के लिए अल्लाह का नुमाइंदा हमेशा के लिए तवज्जो खुदा की कसम में कहना नहीं चाह रहा अल्लाह का नुमाइंदा हमेशा के लिए अल्लाह का वली हमेशा के लिए हमारा नुमाइंदा तो इतनी शरायत जब अल्लाह बनाएगा हमेशा के लिए वली खुदा की कसम जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं जिससे चाहिए पूछ लीजिए मोहम्मद और रसूल अल्लाह का तर्जुमा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं मुसलमान कहते हैं अब दुनिया में नहीं लेकिन रसूल रसूल हैं थे नहीं भाई सुन लो दुनिया में नहीं है रसूल हैं तुम कहते हो अली दुनिया में नहीं वली है छे नहीं ये हमारा नुमाइंदा पांच साल के लिए इतनी शराय जब अल्लाह बनाएगा हमेशा के लिए तो वो कहेगा इल में ऐसा हो कि मिंबर पे आए तो कहे सलूनी सलून किरदार में ऐसा हो कि अल्लाह कहे इन्ना इन सखावत में ऐसा हो कि हातम कहे ये मेरा भी सखावत में बाप है शजात में ऐसा हो कि बड़े से बड़ा शेर कहे हम कुछ नहीं ये अली आ रहे हैं जब अल्लाह बनाएगा तो अल्लाह सारे कमालात एक जगह रखेगा और जब एक जगह देखेगा तो कहेगा ये मेरा वली है मेरी बात पहुंच गई है जाने के नाम है सैदा आपको सलामत रखें ऐजान गामी मैंने कहा था ना मकतबे अहलबैत का दिफा करना हमारी जिम्मेदारी है ऐजान ग्रामी अल्लाह के नामों से भी हम साबित कर रहे हैं उसका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए उसका वली कैसा होना चाहिए कल अगर सब लोग साढ़े दस बजे से पहले इनशा आप लोग पहुंच जाएंगे मेरी इनशा पूरी कोशिश है कि मैं बरसर वक्त पहुँचू मुकम्मल कर सकूँ आप जानते हैं मैं मसायब कोशिश करता हूँ तफसी से पेश करूँ ऐजान गिरामी नुमाइंदा परवरदगार इल्म के उस दर्जे पे होता है कि कभी नहीं कहता मैं पूछ के बताऊंगा मैं देख के बताऊँगा एजान ग्रामीण जहाँ सवाल होगा वहीं जवाब आएगा सरवरे कायनात जब मक्के से मदीने जा रहे थे तो आपने फ़रमाया था अब मैं मक्के नहीं आऊँगा और याद करते थे मक्के को याद करके रोते जनाब मौलाए कायनात जब मदीने से नजफ़ जा रहे कोफे जा रहे थे तो आपने फरमाया मैं अब मदीने नहीं आऊंगा जब जनाब सैदुलशहदा जा रहे थे पूरी दुनिया में रस्म है ना पहली मजलिस में सैदुलशहदालाम की विदाई पढ़ी जाती है आप जानते हैं विदा करना बड़ा मुश्किल होता है हम एक महीने के लिए आते हैं ना पाकिस्तान मेरे वालदे बहुत बुजुर्ग हैं परवरदि मुझे जो कुछ मिला मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा जनाब सैदा के सदक़े के बाद अगर मेरे पास कुछ है तो मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं जानते हैं बूढ़े माँ बाप कैसे होते हैं मेरे वाले दरवाजे पे कुरान लिए खड़े थे मेरी वाला की आंखों में आंसू थे इमाम जामिन बांध रही थी तो मैं सोच रहा था मैं कैसे पढ़ूंगा मौला की विदाई अगर किसी नाना को ये पता हो नवासा जा रहा है अब वापस नहीं आएगा वो माँ जो रात रात भर खड़ी रहती हो मेरे लाल को प्यास लगती है उस माँ को यह पता हो मेरा बेटा वापस नहीं आएगा खुदा आपके मां बाप को सलामत रखे मैं देख रहा हूं बहुत से नौजवान बैठे आप जानते हैं ना मजलिसें देर से खत्म हो रही हैं अभी लोग अगर कोई कहते शहर के हालात खराब हैं कितनी माए दरवाजे पर खड़ी रहती हैं मेरा बेटा अभी तक मजलिस से नहीं आया और अगर किसी माँ को पता हो बेटा मरने जा रहा है बेटे के गले पे खंजर चलेगा अजरक मल अल्लाह अजरक मल अल्लाह मेरे साथ रहिएगा मुझे बताया गया है कि यहाँ आज दूर दूर से मजमा आया है बहुत दूर दूर तक सड़कें सारी ब्लॉक हो गई हैं क्यों आए हैं जनाब सैदा को पुरसा देने आए ज़रा मेरे साथ चले किसने कहा था मरवान ने वलीद ने हुसैन से कहो आएं। एक आदमी दर पे आया आप जानते हैं ना जनाब ज़ैनब हर रोज मौदा हुसैन से मिलने तशरीफ़ लाती थी हर रोज़ अपनी शादी में शर्त रखी थी बाबा अब्दुल्ला से कह दें मैं हर रोज़ अपने भाई हुसैन को देखने आया करूँगे तो, तो जनाबे जानते हैं ना जनाबे अब्दुल्ला ने शर्त कबूल की और फरमाया हाँ मैं जानता हूँ पूरा मदीना जानता है ज़ैनब को अपने भाई हुसैन से बड़ी मोहब्बत है और जब आई थी ना जनाब जैनब पता चला मेरा भाई करबला जा रहा है तो शर्त रखी थी बीबी ने अब्दुल्ला जब मेरे भाई हुसैन करबला जाएगा ना मैं अपने भाई के साथ करबला जाऊंगी तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा मुझे शर्त कबूल है जब जनाब सैदा जाने लगे ना तो बीबी घर आई पहले मौला हुसैन उस वक्त जब बीबी आई मिलने तो मरवान ने वलीद ने जो गवर्नर था मदीने का उसने बुला भेजा उसने कहा हुसैन से कहो गवर्नर हाउस आ जाएं दारुल इमारा बस बीबी के कानों में आवाज आई मरवान ने बुलाया बीबी जानती थी बनू मैया दुश्मन ए हले बैठे हैं दुश्मनान फौरन का भैया मरवान के बुलाने पे मत जाइएगा बीबी को बड़ी मोहब्बत थी भाई से तब तो बीबी को बर्दाश्त नहीं हुआ मौला ने फौरन अल्फाज इस्तेमाल किए कहा बहन मेरी शहादत करबला में है मदीने में कुछ नहीं होगा कहा भैया मेरा दिल तड़प रहा है फौरन आवाज दी अब्बास भाई के साथ जाना अली अकबर ओनो मोहम्मद कासम अब्दुल्ला बीबी ने अपने बेटों को भांजों, भतीजों को भाइयों को सबको आवाज दी सब आ गए जी अम्मा फोपी अम्मा क्या बात है खालाजान सब के सब बीबी क्या बात है का मेरा भाई मरवान ने बुलाया है मेरा भाई जा रहा है सब साथ जाओ फिर बीबी ने एक मरतबा जनाब ओनो मोहम्मद को देखेगा ओनो मोहम्मद मैं दूध नहीं बख्शूंगे अगर मेरे भाई को आंच आ गई अम्मा हमारा आपसे वादा है हम मामू जान को कुछ नहीं होने देंगे अब्बास मेरे भाई का ख्याल रखिएगा बीबी मेरा आपसे वादा है मैं आंच नहीं आने दूंगा मौला चले अट्ठारह जवाना ने बनी हाशिम कहाँ मौला हुसैन के साथ पूरा मसायब पढूं चले मौला हुसैन साथ में सारे जवान दारुल इमारा जैसे पहुँचे एक आदमी ने कहा कि हुसैन आपके साथ कोई नहीं आ सकता मरवान ने कहा आप अकेले आएंगे जनाब अब्बास ने मौला हुसैन की तरफ़ देखा मौला क्या हुक्म है जो आपका हुक्म सर आंखों पर मौला ने सीने पे हाथ रखा का अब्बास रुक जाइए अब्बा अली अकबर आप लोग रुक जाएं, वो मुझसे बात करना चाहता है आप सब दारुल इमारा के बाहर रुक जाएं, लेकिन अब्बास अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो आप खैमे में आ जाइएगा आप दरबार में दारुल इमारा में आ जाइएगा ठीक है मौला एक मरतबा मरवान ने कहा हुसैन शाम से बुरी खबर आई है खलीफा का इंतकाल हो गया है और नए खलीफा यजीद बने हैं यजीद ने आपसे बेअत मांगी है मौला ने एक मरतबा मरवान को देखा कहा अगर ये कोई अच्छी बात है तो तू कल मस्जिद नबवी में सबके सामने बेत मांग मैं वहीं पर जवाब दूंगा कहा हुसैन हम जानते हैं आप बेत नहीं करेंगे यहाँ तन्हाई है रात का वक्त है आप बेत कर लीजिए खामोशी में बेहत हो जाएगी मामला ख़त्म हो जाएगा मौला हुसैन ने एक मरतबा कहा मैं बेत नहीं करूँगा एक मरतबा वलीद ने मरवान को हाथ से इशारा किया का हुसैन तन्हा है यहीं गर्दन उतार दे मौला ने इशारा देख लिया बलंद आवाज से का यबन जरका उसकी माँ का नाम लिया कहा भूल गया तो किस मां का बेटा तू नहीं जानता मैं किस मां का बेटा हूं तू मुझे मदीने में मौत की धमकी देगा मैं खामोश रहूंगा अः तक तो लो होवा तू मुझे मारेगा या वो मारेगा जैसे ही मौला ने बलंद आवाज से कलाम किया ना जनाब अब्बास के कानों में आवाज आई मेरी तरफ तो देखिएगा मौला अब्बास ने दरवाजे पे हाथ रखे दरवाजा खोलना चाह दरवाजा अंदर से बंद था मौला अब्बास ने कहा अकबर कासिम और मोहम्मद पीछे हट जाओ दरवाजा बंद है जब सब पीछे हटे ना जनाब अब्बास ने बाजू मारा दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से बा... आप जानते हैं ना गवर्नर हाउस के दरवाजे बड़े बड़े होते हैं मौला ने जनाब अब्बास ने बाजू मारा दरवाजा गिरा मौला ने तलवार खींची और एक मरतबा का मौला जनाब अब, अब्बास ने मौला हुसैन मौला क्या हुक्म है किसका सर उतारूं इन दोनों में से मौला ने एक मरतबा सीने पे हाथ रखा अब्बास मेरे नाना का शहर है मैं नहीं चाहता यहां खून बहाऊं तलवार रख लो मेरी तरफ देखिएगा मैं कहूंगा ए हजरत अब्बास मौला हुसैन ने आवाज कुछ बुलंद की थी मदीने में आपने दारुल इमारा का दरवाजा गिरा दिया मौला जरा करबला में देखें मौला हुसैन चीख चीख के कह रहे हैं। हल मिन ना। है सोरो जो हमारी मदद करे है कोई जो नबी जादियों का पर्दा बचाए ओ मौला अब्बास खड़े हो जाएं हुसैन तन्हा रह गए अजरों को कमल अल्लाह अल्ला। मैं भी मसायब पढ़ूंगा पांच से दस मिनट की जहमत दूंगा रोने में बखुल ना कीजिएगा मैं जानता हूं हर आंख में आंसू देख रहा हूं लेकिन मेरा वादा है मैं भी कुछ जुमले पढ़ूंगा कोई आंख ऐसे नहीं होगी जिसमें आंसू ना आए मौला हुसैन ने कहा वापस चलो घर जाना है और एक मरतबा कहा बहन हमें करबला जाना है अब्बास मैं आपको फहरिस्त बनाए देता हूं आप सब मर्दों और ख़वान को बता दीजिएगा किस किस का नाम है वो तैयार रहे हम 28 रजब को कूच कर जाएंगे मौला विदा करने गए 28 रजब की सुबह कहाँ रोज़ा रसूल पे और एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से रोके कहने लगे या जद्दा नाना आपकी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं दे रही नाना मैं करबला जा रहा हूँ अल्काए वाल हवादिस में है मौला खुद फरमाते हैं कि मैं रोते रोते गश कर गया जैसी कब्र पे गिरा नाना कि मेरे नाना क़ब्र से उठे और जब मैं छोटा सा था और नाना मुझे गले लगाते थे ना बिल्कुल वैसे ही मेरे नाना ना ने मुझे गले लगाया और रो के कहने लगे हबीबी या हुसैन ऐ मेरे महबूब ऐ मेरे लखते जिगर मेरी जान हुसैन क्या बात है का नाना मैं करबला जा रहा हूँ कहा नाना मेरे लिए अल्लाह का क्या हुक्म है आपने फरमाया शाह अरा का कतीला का मशीयत तो यही है हुसैन कि आप शहादत देंगे नाना मेरे भाइयों मेरे बेटों भतीजों भांजों के लिए क्या हुक्म है का मशीयत यही है कि वो कर्बानियाँ देंगे शहादतें देंगे मेरे तो देखेगा नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म हबीब खुदा के आंसू बहने लगे होंगे फरमाया इनला शाह अयरा सबाया हुसैन मशीयत तो ये है आपकी बहनें कैदी बनाई जाएंगे वो हुसैन जिन्होंने अब्बास के बाजू कलम होना बर्दाश्त कर लिया अली अकबर के सीने में बर्छी बर्दाश्त अली असगर के कान में तीर बर्दाश्त कासिम के लाशे के टुकड़े बर्दाश्त अपना सर देना बर्दाश्त लेकिन जैसे ही बहनों का नाम आया मौला रोने लगे नाना क़ैदी बने मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे भाई, मेरे बच्चे मैं देख रहा हूं चेहरे का पुरसा दे रहे बस भाई रहने दो साहब ये पढ़ू मुकम्मल कर दू आखिरी आखिरी जुमले अगर देख सके मैं तब देखिएगा जनाब शहादा नाना के रोजे से उठे कहां गए माँ की कब्र मुताहर पे जब आए ना आप जानते हैं ना जैसे एक छोटा बच्चा माँ से लिपट के रोता है जनाब सैदा क़ब्र जनाब सैयद से लिपटे <laughs> और कब्र से लिपट के कहने लगे अम्मा आपका हुसैन जा रहा है मेरा दिल कहता है बीबी ने कहा हुसैन आप तनहा नहीं जा रहे मेरे लाल मैं हर जगह साथ जाऊंगी शब आशूर में मखतल को बालों से साफ करोगे हुसैन जब आप जुलझना से गिरेंगे मैं बुरका फैला दोगे ए हुसैन मैं अपने बुरके का दामन आपके सर के नीचे रखूंगी ऐ हुसैन जब शिमर खंजर चलाएगा मैं अपनी उंगलियां गर्दन पे रखूंगी ऐ हुसैन मैं शिमर से कहूंगी ओ शिमर मैंने चक्कियां पीस के पाला था बस भाई जहमत तमाम कर रहा हूं दो से चार मिनट की जहमत एक मरतमा जनाब सदा उठे माँ की कबर से घर आए अब्बास सबको बता दिया जी मौला मैंने बता दिया सबके नाम थे ना फहरिस में कौन कौन जाएगा बीबियां बुरके लेने लगीं रावी कहता मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन अपने घर के बाहर मसनत बिछा के बैठ गए और एक मरतबा जनाब अब्बास नाका लाते ऊँटनीों को लाते बिठाते उन पर हमारियाँ सजा रखी हैं अली की बेटियाँ पहली दफ़ा इतने लम्बे सफ़र पर जा रही हैं जनाब अब्बास ने पानी रखा बेहतरीन खूबसूरत महमिलें अमारियाँ सजा दीं जैसे ही हमारी आती ना मौला अब्बास ने फहरिस्त हाथ में थी बीबियों को बता दिया था कौन कौन बीबी जाएंगी सुनेंगे एक छोटी सी बीबी ने सवाल किया चचा अब्बास आप जरा फहरिस दोबारा देख लें शायद मेरा नाम हो बीबी मैंने देख लिया आपका नाम नहीं है ये कौन बीबी हैं? इन बीबी का नाम है फातिमा सोगरा जनाब फातिमा सोगरा ने कहा चचा क्या बात है मेरा नाम क्यों नहीं कहा बीबी मुझे नहीं मालूम आपके बाबा ने नाम नहीं लिखा जनाब सोगरा बाबा भी नहीं है किससे कहा जनाब रबाब से अम्मा आप अली असगर मेरे पास छोड़ जाइए मेरा दिल बहल जाया करेगा एक मरतबा जनाब रबाब ने फरमाया लेकिन फातिमा सोगरा अली असगर का नाम तो जाने वालों की फहरिस्त में है <laughs> अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा जनाब फातिमा सोगरा ने जनाब अली असगर को हाथों में लिया जनाब रबाब ने आगोश बढ़ाई अली असगर आ जाइए आपका नाम है जनाब अली असगर नहीं आए एक एक बीबी आईं जनाब अली असगर को लेने की कोशिश की जनाब अली असकर नहीं आ रहा है जानते हैं क्या हुआ मौला हुसैन खुद आए अब मौर्रखी ने यह लिखा है मेरी तरफ देखिएगा भाई बस दो मिनट की जहमत है एक मरतबा जनाब सैदा खुद आए जनाब अली असगर के कान में कुछ कहा जनाब अली असगर फ़ौर आगोश में आ गए अब तारीख में नहीं लिखा क्या कहा लेकिन मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने फरमाया होगा अली असगर बेटा अगर आप नहीं आएंगे करबला तो हुरमला का तीर कौन खाएगा नहीं मेरे बच्चे नहीं मेरे भाई रोकें रोकें पकड़े नहीं मेरा बच्चा बस दो मिनट की जहमत भाई अब बर्दाश्त नहीं कर रहा है बस भाई मैंने तमाम कर दिया मेरी तरफ देखिएगा जनाब फ़ातमा शुग्रा क्या कहती थी बाबा बाज़ल अजीब वरीब जुमले लिख गए हैं कहते जनाब फातिमा शुग्रा के बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे सफर में बीमारी का शिकवा नहीं करूँगी बाबा मैं कभी नहीं कहूँगी मैं बीमार हूँ मौला हुसैन ने बेटी को प्यार किया आप जानते हैं ना अगर किसी आदमी की एक बेटी बीमार हो उसे उस बेटी से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है एक मरतबा कहा बाबा मुझसे वादा कीजिए अगर आपने भैया अली अकबर की शादी की बाबा मुझे जरूर बुलाइएगा मैंने तमाम कर दिया अजरक मल्ला अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा रावी कहता है एक मरतबा मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए नहीं पढ़ रहा रावी कहता है एक मरतबा खेमों के अंदर से आवाज आती थी किसी बीबी की कौन सी बीबी आ रही है एक बीबी ने आवाज दी हुसैन की जोजा रबाब आ रहे हैं जनाब अब्बास ने आवाज़ दी अली अकबर माँ का बाजू पकड़ें कासिम घुटना ज़मीन पे रखें आप जानते हैं ना ऊंटनी को बिठा भी दें तो कुहान बड़ा होता है पे बिठाने के लिए ख़वान को सहारे की ज़रूरत होती है क्या ओनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा खोलें एक मरतबा आवाज़ आई हसन मुशतबा की बेवा आ रहे हैं जनाब अब्बास ने आवाज़ दी ओन मोहम्मद घुटने ज़मीन पे रखे एक मरतबा आवाज कासिम अम्मारी का पर्दा हटाए अब्दुल्ला माँ का बाजू पकड़े एक मरतबा रावी ने आवाज दी अली की बेटी उमसूम आ रहे हैं बस जनाब अब्बास ने आवाज दी अली अकबर प्पी का बाजू पकड़े कासिम घुटना जमीन पर रखे मौला अब्बास आगे बढ़े अम्मारी का पर्दा हटाया जनाब उम कुलसुम को नाका पे सवार करा दिया इतने में आवाज आई अली की बेटी जैनब कुबरा रावी कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन मसनत से खड़े हुए आगे बढ़े अमारी का पर्दा खोला अली अकबर ने घुटना जमीन पर रखा अब्बास ने बाजू पकड़ा जनाब जैनब ने आवाजी अब्बास रुक जाइए मेरे बेटे अली अकबर मेरे लाल पीछे हट जाइए क्या भैया मुझे माफ कर दीजिए जब सबको मना कर दिया मौला हुसैन ने पूछा बहन फिर कौन सवार कराए अब सारे परेशान खड़े हैं जवाना ने बनी हाशिम अली की बेटी जैनब कुबरा को नाका पे कौन सवार कराए जनाब जैनब ने रो के कहा भैया उसे बुलाइए जो ग्यारह मुहर्रम को मेरा बाजू पकड़ेगा मौला हुसैन ने आवाज दी मेरा सज्जाद बेटा अली इब्ने हुसैन जैन आबेदीन पुप्पी को सहारा दो आखिरी जुमला कह रहा हूं मुझे माफ कर दीजिए 28 रजब को मौला सज्जाद ने फुप्पी का बाजू पकड़ा नाका पे सवार करा दिया लेकिन जब 11 मुहर्रम का दिन निकला जनाब जैनब ने एक एक बीबी को सहारा दे के सवार यहाँ तक के माँ की गनीज हजरत फिजा को सहारा दिया एक मरतबा मौला सज्जाद को देखा क्या देखा गले में तो पाव में बेड़िया हाथों में जंजीरें किसी इमाम ने जंजीरें संभाली आगे बढ़े जनाब जैनब ने फुरात का रुख किया रो के कहा अब्बास

जब हर आंख में आंसू हो ना दुआ कबूल होती है और अगर वास्ता अली की बेटियों का हो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता परवरद गारा तुझे वास्ता उन बीबियों का जो मदीने से बड़ी शान से चले थे लेकिन करबला से जब चले असीरी थी, मजलूमी अच्छी परवरद गारा इमाम ज़माना के जहूर में ताजील फरमा अज़ारी की हिफाज़त फरमा अज़ादारों की हिफाजत फरमा बान मजलिस शिरकत कुलंदगान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तोफ़ी में इजाफ़ा फरमा हमारे मकाम मुक़दसा की हिफाजत फरमा साहेब जबान के जहूर में ताजील फरमा बहुत से लोगों ने इतमास से दुआ की है ख़ास से मरीजों ने परवरद उस बीमार का वास्तव जिनका शाम गरीबा में बिस्तर लूट लिया गया था हमारे तमाम मरीजों को शिफाय का अमला हो। परवरदारा जो हाथ बुलंद ने किसी को रद्द न फरमा रबना चकबलिम बेहद